सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित रावत और स्वागत है आपका देवभूमि के इसके खूबसूरत से क्षेत्र भगवानपुर से, जहाँ से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हो चुकी है रामलीला शुरू। तो आज की जो रामलीला है उसमें हमारे यहाँ सीता जन्म होगा और नंदी और रावण का संवाद होगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहो लास्ट तक, और जो नए मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधा रामलीला में। मैं तुमसे
ही प्रसन्न हूं। तुमने यह बार अति सोच विचार के बाद मांगा है, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मैं शंकर का भी शंकर हूँ।
वही इज्जत में होना है, वही करते हैं पालन। विश्व का संहार करते हजारों दूसरे पापी उनकी इच्छा से Yeah.
संपदाएं विश्व की नित हाथ बांधे है खड़ी, अरे लक्ष्मी दासी करती है सेवा हर घड़ी। राज्य कर और भूमि कर नहीं मांगे होता है वसूल, राज्य का एक भी पैसा नहीं जाता। Yeah.
महाराज युवराज इंद्रजीत ने स्वर्ग लोक पर बताकर और समस्त देवताओं को बंदी बना लिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। युवराज मेघनाथ की शक्ति पर मुझे जितना गर्व है उतना ही कम है। महाराज अग्निदेव ये अग्निदेव है। कहो अग्निदेव कुशल से कहो वही क्या हो रहा तुम्हारा सेवन करके बहुत मोटे हो गए हो। तुम्हें हमारी मर्जी के हमें सोना बनाओ आगे जा कर हमारे ग्रुप जाने क्या
छोटू साइड हो जाए टेबल। ओ बापियो, हमने तुम्हारा घर जो तुमने हमारे नष्ट कर दिया। बस 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 करो बेचारे आपको। मालूम है तुम किसके राज्य में हो? दुहाई है महाराज, दुहाई है।
पर्चा ले लो। हम सब कुछ जानते हैं, हम अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अन्नदाता आप ही बताइए हम क्या करें, किसे अपना दुख सुनाए, किसके आगे गिड़गिड़ाए। हमारे बच्चे भूख से व्याकुल होकर मर रहे हैं। अच्छे करेंगे गुरुवर, हम सबकी आशा अब आप पर ही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मिथिला के कल्याण के लिए कोई मार्ग अवश्य सुझाएं। मैंने इस विषय पर भली प्रकार विचार किया है। मेरे विचार में पूरे ग्रह अब टल रहे हैं। मिथिला का कल्याण हो सकता है, लेकिन आपके प्रयत्नों से मेरे प्रयत्नों से हाँ महाराज भूमि में हल चलाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से विपत्ति की घड़ी टल जाएगी। कहो गुरुवर, हमें इस कार्य के लिए हर समय तैयार है। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हे भगवान, तुम्हारी माया भी अपरंपार है, जिसे कोई नहीं जान पाया। धरती की गोद में कितनी सुंदर कन्या उत्पन्न की। गुरुवर, अब इस कन्या का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। राजन, अंतर प्रकट होने के कारण इस कन्या का नाम सीता ही रखना